हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मिडिल लैब चैनल। मेरे इस मिडिल लैब चैनल में आज का जो वीडियो है वो है मोन्टीना एल सिरप को लेके। जो मोन्टीना एल सिरप है, तो इस सिरप को किस किस पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजेस क्या है, डोज क्या है और इसे कॉम्पोजिशन भी क्या है, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले गौर कर लो, जो मोन्टीना एल सिरप है, ये एरिस्टो कंपनी का एक बेस्ट प्रोडक्ट है और एरिस्टो जाने माने कंपनी है। और इसका प्रोडक्ट लगभग आप लोग ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या किसी भी मेडिकल शॉप में अभी आपको आसानी से इसको मिल जाएगी। आज का जो मोन्टीना एल है वो है 30 ml का ये सिरप है। और इस सिरप को आप लोग किस किस पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका वर्क क्या है और कैसे इसको लेना है, ये पूरी की पूरी जैसे जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मेडिलेब चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे मेडिलेब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बगल वाले घंटे को भी एक बार प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जब मोन्टीना एल से आप इससे कॉम्पोजिशन बारे में एक बार गौर करते हैं, जैसे कि ये मोन्टिल्यूकस मिलता है और साथ साथ आपको लिबोसिट्रिजिन, ये दोनों को दोनों सॉल्ट आपको एक साथ इस मोन्टीना एल सिरप में मिल जाएगी। दोस्तों दोस्तों इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं मोन्टीना एल सिरप में कैसे और क्या क्या मिलता है। जैसे कि प्लास्टिक के एक बोतल में मिलता है आपको मोन्टीना एल ये सिरप, इसकी कॉम्पोजिशन और साथ साथ इसका प्राइस और सारे के सारे जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे कि इसका प्राइस है 35 रुपीज़। तो ये जो 30 ml का मोन्टीना एल सिरप है ये आप लोगों को 35 रुपीज़ में मिल जाएगी किसी भी मेडिकल शॉप में। दोस्तों इसका जो मोन्टिल्यूकास और लिवोसिट्रिजिन दोनों सॉल्ट है तो उसका कितना mg मिलता है इस 5 ml में, उसके बारे में एक बार गौर कर लेते हैं। जैसे कि ये इस 5 ml सिरप में आप लोगों को मोन्टिल्यूकास मिल जाएगी 4 mg और लिवोसिट्रिजिन मिल जाएगा 2.5 mg। तो ये दोनों ही सॉल्ट आपको एक साथ ही मोन्टिल्यूकास और लिवोसिट्रिजिन एक साथ ही मिलता है, वो है मोन्टीना एल सिरप में। दोस्तों इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर का सलाह लेना एकदम जरूरी है, क्योंकि ये शेड्यूल एस ड्रग है। ये शेड्यूल एस ड्रग का मतलब ही है इसको आप बिना पर्चे किया, बिना प्रिस्क्राइब किए आप इसको इस्तेमाल कर नहीं सकते दोस्तों। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर का सलाह लेना एकदम ही जरूरी है, उसके बाद आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गौर कर लेते हैं ये जो मोन्टीना एल सिरप है हम लोग किस किस पर्पस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर ये बच्चे के लिए है जो 30 ml में मिलता है और ओनली फॉर पेरेडिक यूज़, तो ये बच्चे के लिए इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हैं। और इसको इस्तेमाल ज़्यादातर करना चाहिए, जैसे कि आपके बच्चे को एलर्जी का प्रॉब्लम, एलर्जी के कारण में आपके बच्चे में खुजली होना, खुजली का प्रॉब्लम में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ सीजनल एलर्जी होता है कि सर्दी काशी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने के बाद जो सर्दी रहता है और साथ साथ आपके बच्चे की काशी भी रहते हैं, उस सब क्षेत्रों में भी इस मोन्टिल्यूकास एंड लिवोसिट्रिजिन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की नाक से पानी बह रहा है और काशी भी ज़्यादा है तो उसे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उस सब क्षेत्रों में भी आप लोग इस मोन्टिल्यूकास एंड लिवोसिट्रिजिन से आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि आपके बच्चे की स्किन में भी कोई इन्फेक्शन हो जाना, खुजली होना, उस खुजली को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए भी आप लोग ये मोन्टिल्यूकास एंड लिवोसिट्रिजिन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आई दोस्तों गौर कर लेते हैं इसका डोज कैसे लेना है। जैसे कि ये लिवोसिट्रिजिन मोन्टिल्यूकास जो आप लोगों को मिलता है मोन्टीना एल सिरप में, तो इसका डोज तो 1 साल से लेके 5 साल तक बच्चे को दे सकते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 1 साल से लेके 3 साल तक है, तो उस टाइम आप इसको 2.5 ml करके दिन में एक बार दे सकते हैं, वो भी रात को देने से अच्छा होता है। और अगर मान लीजिए आपका बच्चे की उम्र 3 साल से लेके 5 साल तक है, तो उस सब क्षेत्र में आप 5 ml अपने बच्चे को दे सकते हैं वन टाइम, वो भी नाइट को आफ्टर फूड। तो दोस्तों इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर का सलाह लेना जरूरी है, डॉक्टर की कंसल्ट करने के बाद इसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके बच्चे के नाक बंद हो जाना या नाक नहीं खुलना, साथ साथ एलर्जी का प्रॉब्लम है या सर्दी है या स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस सब क्षेत्र में इसको आसानी से दोस्तों आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों शुक्रिया, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।